वसुदेव सुतं देवं कंसचानुरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा कुछ करना है ना कुछ करना है उसमें स्थित रहना है वो स्थित रहना नहीं है स्वाभाविक है वहाँ केवल स्वीकृति मात्र है और कुछ नहीं बात आई है कि वे जो प्रवृत्ति है वो निवृत्ति में स्वतः लीन होती है और संयोग है वो वियोग में जा रहा है तो जिनकी निवृत्ति हो जाए जिनका वियोग हो जाए उनकी सत्ता को भी स्वीकार नहीं करना है इसके बाद क्या होगा ये पहले से आप निश्चय करोगे तो बन जाओगे वो पकड़ी जाएगी बात उसमें कुछ भी स्वीकार नहीं करना है अपने को बढ़ाए नहीं रखना है तो वो आप ही आप जो कुछ चुप हो जाए वहां न है नहीं वहां ऐसे हो जाए अब थोड़ा इस बात को देखे विस्तार से सुने प्रवृत्ति और निवृत्ति
यह थोड़ा समझने का है कि किसी काम में हम प्रवृत्त होते हैं और कभी हम निवृत्त होते हैं। तो प्रवृत्त होते हैं उसमें जब ध्यान आदि होता है, निवृत्ति में समाधि हो जाती है, निवृत्त हो जाते हैं, कुछ भी चिंतन नहीं हो, आत्म संस्कृत मन के द्वारा न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करें तो ये निवृत्ति होगी। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो अवस्थाएं हुई, ये दो अवस्थाएं किसी से प्रकाशित होती है, इन दो अवस्थाओं का ज्ञान होता है, वो ज्ञान इन दोनों अवस्थाओं का प्रकाशक है, इन दोनों से अतीत है, और अवस्थाएं उत्पन्न और नष्ट होती है। ये प्रवृत्ति भी प्रवृत्ति निवृत्ति में हो जाती है, और प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति है वो फिर प्रवृत्ति में प्रवृत्ति उत्पन्न कर देती है, और प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों जिसमें प्रकाशित होती है वो है ज्यों का त्यों ही है और उनका सबका आश्रय है। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से भी अपना संबंध कुछ नहीं है, इसलिए संयोग को वियोग कर ले, संयोग का वियोग, अपने में ना प्रवृत्ति है ना निवृत्ति है, तुम जो हैपन है उसमें ना प्रवृत्ति है ना निवृत्ति है, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का आश्रय है, दोनों का प्रकाशक है, परंतु दोनों का प्रकाश और आश्रय ये वह अभिमान नहीं है, क्योंकि दोनों का मैं प्रकाशक हूँ, दोनों का मैं आश्रय हूँ, ऐसा अभिमान जहाँ नहीं है। जैसे सूर्य सब सृष्टि को प्रकाशित करता है, परंतु सूर्य में ये नहीं कि मैं प्रकाश करता हूँ, प्रकाशित होता है, आकाश सबका आश्रय, आकाश के ये अभिमान नहीं कि मैंने सबको अवकाश दिया है, मेरे अवकाश में सब सृष्टि है, अभिमान नहीं। ऐसे जो सबका प्रकाशक है, सबका आश्रय है, उसमें प्रकाश तत्व और आश्रय तो ऐसा अभिमान नहीं है, ऐसे है। और ये संयोग वियोग जिसमें होते हैं वो एक वही प्रकाश है, वही आश्रय है, जिसमें संयोग और वियोग होता है। और संयोग और वियोग ये भक्ति व्यक्ति और वस्तुओं में होता है, और व्यक्ति और वस्तु और संयोग और वियोग ये सब ही जिससे प्रकाशित होते हैं, जो सबका प्रकाशक है, सबका आश्रय है, परंतु वही बात पहले वाली आश्रय करता, आश्रय दाता, प्रकाश करता वो कोई अभिमान नहीं रखता है, स्वतः उसका सबका आश्रय है, सबका प्रकाशक है, स्वाभाविक प्रकाशित होते हैं, उसमें स्थित होना है, तो स्थित होना नहीं है, वो है ज्यों का त्यों है, अपने आप को वहां न रखे, है ज्यों ही रह जाए, चुप हो जाए। तो चुप होना क्यों होता है, अभी जो हम दूसरी क्रिया करते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, इस बार चुप होना है, वहां चुप होना नहीं है, आप साथ चुप्पी है वहां। अब सब पूछो, बिल्कुल प्रकाशक है, प्रवृत्ति निवृत्ति का ऐसा कहना पड़ता है जब प्रवृत्ति और निवृत्ति की सत्ता मानते हैं, जब प्रवृत्ति और निवृत्ति की सत्ता ही नहीं मानते तो प्रकाश से प्रकाशक हो किसका, कौन हो, वहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है, पर तो वहाँ और यहाँ ये भी काल को लेकर कहते, देश को लेकर कहते, देश और काल भी तो एक ज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं, तो देश काल नहीं है, ज्ञान है स्वतः स्वाभाविक, उसको भी प्रकाशित प्रकाश कहते हैं, वही सबका आश्रय है,
है जो कहना है, अगर कोई शंका हो समझे हो वो प्रवृत्ति में निवृत्ति भेद होगा, बोलने में बहुत भेद होगा, न बोलने में भेद नहीं होगा। बोलने में पंडित बोलेगा मूर्ख बोलेगा तो बोलना अलग अलग होगा, न बोलने में पंडित का मूर्ख का कोई अंतर नहीं होगा। ऐसे देखने में अंतर होगा न देखने में नहीं है, खाने में अंतर होगा न खाने में नहीं है, चिंतन करने में अंतर होगा न चिंतन करने में नहीं है, चलने में अंतर होगा न चलने में नहीं है, बैठने में अंतर होगा न बैठने में नहीं है। ये जो सब प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं होती है, वहाँ कुछ है नहीं, वहाँ सब एक है। पढ़े लिखे अपढ़ और समझदार बेसमझ ज्ञानी अज्ञान सब एक है, और सब जिसमें एक होते हैं वही अंतिम साधन होता है, वही अंतिम साधन है, उससे शादी की सिद्धि होती है, सब साधन लीन हो जाते। इसमें पहले विश्वास करना होता है, मान लेना होता है, फिर मानना और विश्वास ये अपना चला जाता है और है दूर रह जाता है। अपनी मान्यता है वो अपनी नहीं रहती, वो बोलो उस शंका हो है? अपनी मान्यता हुई ना ऐसा है तत्व, ये अपनी मान्यता हुई तो ये आरंभ है। ऐसी एक धारणा की हमने, ऐसी एक हमने मान्यता की, तो मान्यता हम दो हुए कि दोनों जिससे प्रकाशित है वो है, और मान्यता मैं ये नहीं। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना। जैसे दृष्टि से मैंने आंख से हम सबको देखते हैं, पर सभी आंख को नहीं देख सकते, हम भी आंख से देखते हैं आंख को नहीं देख सकते। आंख में जो देखने की शक्ति है वो शक्ति नहीं दिखती, परंतु जिससे दिखता है वो आंख है ऐसा मानते हैं। ऐसे है से ये नहीं है प्रकाशित होता है, ज्ञान से ये सब दिखता है, ज्ञान को नहीं देख सकते। इस वास्तु उपनिषद में आया है विज्ञातार मरे केन विचारी, जो सबका विज्ञाता है उसको किससे जाने, आंख से सब दे तो आंख कैसे देखी जाए, ऐसे सबका जानने वाला कैसे जाना जाए, वो जानने में नहीं आता है। जानने में आता है वो जानने से छोटा होता है, जानना भी जिससे हो रहा है वो जानने में कैसे आ। बोलो संदेह है बिल्कुल, ये तो वस्तु में हमने वस्तु और व्यक्ति की सत्ता स्वीकार करी तो संयोग दिए हुए, ऐसे संसार की सत्ता स्वीकार करी तो उत्पत्ति विनाश हुआ, और वैसे ही प्रवृत्ति और निवृत्ति दृष्टि डाले तो प्रवृत्ति और निवृत्ति हुई,
वृत्ति से अलग होने पर न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है, न संयोग है न वियोग है, न वस्तु है न व्यक्ति है, न आना है न जाना है, किंतु तत्व है ज्यों का त्यों ही है। अब उस है ज्यों का त्यों ही कहना संसार की दृष्टि से मैं तुम्हारा क्या अस्तुप है। योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम जी ने प्रश्न किया वशिष्ठ जी से वो फिर मुझे तू क्या है, तो उत्सुप हो गए एकदम। तो महाराज वर्णन कर दो, कर दिया ना यही वर्णन आया है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मन स्वास मन समृद्धि जान वाणी, ये जिसको जान नहीं सकते क्योंकि इनमें जानने की शक्ति वहां से आती है। देखो अपना आश्रय और अपना जो प्रकाशक है उसको कोई उसका आश्रय कोई नहीं बन सकता, उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। आप बताओ कि जो जिससे हमारी उत्पत्ति हुई क्या उसको हम देख सकते हैं, हम मान सकते हैं और अनुभव नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। मान करके जान लगे हम जानते हैं हमारे पिताजी है हमारी माता है, तो हम देख नहीं सकते। हम देखें तब वो माता पिता बने, नहीं माता पिता बने उसे हम देख नहीं सकते, हमारा अस्तित्व नहीं। तो उत्पन्न होने वाली वस्तु अनुत्पन्न का विषय नहीं कर सकते, अनुत्पन्न तत्व को मान सकते हैं और मान सकते हैं अनुत्पन्न में लीन हो सकते हैं। घड़ा जितना है वे सब के सब मिलकर के भी पृथ्वी को अपने में नहीं समा सकते, परंतु घड़ों का आधार आश्रय मिट्टी है और मिट्टी में मिल सकते हैं, मिट्टी को अपने में भर नहीं सकते। ऐसे उस तत्व को हम जान नहीं सकते, अपने ज्ञान के अंतर नहीं ला सकते, उसमें लीन हो सकते हैं, लीन होगा ही उसमें। और बोलो नारायण नारायण नारायण, सबका आश्रय सबका प्रकाश। तो सबका आश्रय वही हो सकता है जो स्वयं किसी के आश्रित नहीं है, इस बात उस उत्साह तुझे अनाश्रित कर्म फलम नित्य तृप्त निराश्रय मैंने अभिप्रीतों की नहीं किंचित करूँ इसका अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोगी सरसन्यासी योगी चाक्रिय नारायण 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 नारायण।